नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे टेक्निकल रास्ता। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ D3D कंपनी का एक फुल HD वाईफाई IP सिक्योरिटी कैमरा। ये जो सिक्योरिटी कैमरा है ये मैंने मंगवाया है Amazon.in से और इसका प्राइस 3000 रुपीज है। ये आपका फुल HD रेजोल्यूशन वाला कैमरा है और एक दूसरा आपका मॉडल है जिसका आपका HD मॉडल है जिसका 720p है। ये आपका 1080p 2 megapixel लेंस के साथ आता है। इसमें आपका लाइव व्यू मिलता है जो आप मोबाइल से और PC से कहीं से भी आप लाइव व्यू देख सकते हैं। अब मोशन डिटेक्शन अलर्ट भी मिलता है। आप अगर मोशन डिटेक्शन अलर्ट को सेटिंग करके रखते हैं इसमें मोबाइल के फीचर्स के अंदर में, कुछ भी मोशन होने पे आपका क्या करेगा, ये आपको ईमेल नोटिफिकेशन मेल भेज देगा और साथ में फोटो भी भेजेगा। और 2-way ऑडियो है जो आप जब इसको आप लाइव व्यू करते हैं तब आप इसको इससे बात भी कर सकते हैं घर वाले से। और नाइट विजन ऑप्शन भी है। फुल HD इसलिए लिया हूँ क्योंकि पिक्चर क्वालिटी थोड़ा अच्छा मिल जाता है। आप अगर किसी चीज़ को जूम करते हैं तो पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छा मिल जाएगा। ये ब्रांड काफ़ी अच्छा है। सभी सिक्योरिटी कैमरा ऑलरेडी इंडिया में जो मिल रहा है वो चाइनीज है। मॉडल का जो फुल HD वाला मॉडल है इसमें आपको Y लिखा रहेगा लास्ट में, जैसे D6022Y ये वाला मॉडल है। और जो फुल HD नहीं है जो आपका 720p वाला है उसमें आपको W लिखा रहेगा। इसमें एक क्या खास बात है कि इसमें आपको 120GB मेमोरी सपोर्ट करता है। इसके अंदर आपको एक माइक्रो USB केबल और एक एडाप्टर 5V एडाप्टर और आपको एक D3D बैंड का थैंक यू परचेस बोल पे दिया गया है और एक मैनुअल यूज़र गाइड मैनुअल मिल रहा है जिसमें आपका सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। उसके अलावा भी आपको एक वॉल में माउंट करने के लिए एक छोटा सा कैप दिया गया है और जिसका साथ 2 स्क्रू और एक पिन दिया गया है जिससे आप इसको रीसेट कर सकते हैं। चलिए इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। मैंने 2 मंगवाया था, एक व्हाइट में एक ब्लैक में। ब्लैक वाला मैं खोल चुका हूँ, अभी मैं व्हाइट वाला को खोल देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक D3D का एक परचेस थैंक यू लेटर मिलता है और एक यूजर का मैनुअल। ये D3D का कैमरा है, हाँ देखने में एक खूबसूरत लगता है ब्लैक की कंपेरिजन में, लेकिन एक गंदा भी जल्दी हो जाएगा। इसमें IR जो LED दिया हुआ है 6 IR LED है जो फ्रंट की तरफ उभरा हुआ नहीं है, जो इसके लिए इसको देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। पीछे की तरफ जो वाईफाई एंटेना है ये भी आपका 5 dBL का है और सिंगल एंटेना है और साथ में एक आपको लैन पोर्ट भी दिया हुआ है। RJ45 कनेक्टर इसके साथ कनेक्ट होगा। दोनों में मॉडल लिखा हुआ है पीछे की तरफ D6022Y और मेमोरी कार्ड इसका ऊपर में आपको आ जाएगा, यहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। चलिए इसका मैं इंस्टॉलेशन भी दिखा देता हूँ कैसे इंस्टॉल करता है। वेरी इजी है, आप 3 तरह का इंस्टॉलेशन है, आप किसी भी इंस्टॉलेशन को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना मेमोरी कार्ड को इसमें इंसर्ट कर लीजिए। जो मैं व्हाइट में दिखाता हूँ, व्हाइट को इंस्टॉलेशन करके दिखा रहा हूँ। मेमोरी कार्ड को उल्टा पकड़ लीजिए और ऐसे करके आप इसमें डाल दीजिए। ये अब मैं डाला नहीं, अब मैं इसको प्रेस कर दूंगा। डाल गया मेमोरी कार्ड इसमें 128GB, इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर दिया। उसके बाद इसको पावर ऑफ कर दीजिए। इसके साथ जो एडाप्टर आता है या तो किसी भी मोबाइल चार्जर से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने पावर ऑफ कर दिया। पावर ऑफ करते ही ये आपको लेफ्ट में और राइट में मूव करेगा और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी मूव करेगा। उसके बाद ये रेडी टू एक्सेस बोल के दिखाएगा। चलिए ये मूव कर रहा है। मेमोरी कार्ड को आप पावर देने से पहले इंसर्ट कर दीजिए। अभी आप इसको रीसेट कर दीजिए। रीसेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लास्ट जो सेटिंग है इसमें किया है वो आपको इसमें सेव रहता है, तो इस नया कनेक्शन करने से पहले इसको आपको रीसेट करना पड़ेगा। तो इसमें इस होल में आप इसको दबा के रखिए और ये पिन इसी बॉक्स का साथ ही आता है। तो ये बोल देता है सक्सेसफुली रीसेट। तो रीसेट होने के बाद अब इसको रख लीजिए और ये खुद ही बोलेगा कि ये रेडी टू यूज बोल के बोलेगा। वेलकम टू यूज, तो इसने बोल दिया वेलकम टू यूज बोल के। तो अभी आपको क्या करना है, आपको मोबाइल फोन में या आप कंप्यूटर में किसी में भी एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा जिसका नाम है नेटकैम। तो नेटकैम को आप गूगल ऐप्स में मिल जाएगा। ये जो ऐप्स है इसका नाम है नेटकैम, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने में ये बताता है कि आपको ऐड डिवाइस करना पड़ेगा।
तो ऐड डिवाइस के मैं जब भी क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे कैमरा चूज करना पड़ेगा। वाईफाई कैमरा का नाम तो दिया ही हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे कैमरा का मॉडल चूज़ कर लेता हूँ। ये कौन सा कैमरा है, ये स्मार्ट अलार्म कैमरा है, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ स्मार्ट अलार्म कैमरा। उसके बाद यहाँ पे DID नंबर, मतलब जो कैमरा है इसका ID नंबर इसमें डालना पड़ेगा, जो यहाँ पे जो इस कैमरे का नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसको डालने के लिए आप तो मैन्युअली डाल सकते हैं, या तो आपको तीन ऑप्शन दिया गया है, स्कैनिंग डिवाइस QR कोड्स का साथ कर सकते हैं, सर्च डिवाइस इन लैन, अगर ये लैन पोर्ट में कनेक्टेड है तो सबसे बढ़िया है, ये लैन पोर्ट में जल्दी कनेक्शन हो जाता है। अगर आप वाईफाई के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं तो आपको एक ही वाईफाई के साथ इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो अभी मेरा घर में जो वाईफाई चल रहा है उसी को मैंने फ़ोन में भी कनेक्ट कर लिया, उसी वाईफाई के साथ ही इसको मैं कनेक्ट करूँगा। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड डिवाइस कर देता हूँ, उसके बाद कैमरा चूज़ कर लेता हूँ स्मार्ट अलार्म कैमरा, उसके बाद DID मैं पोर्ट को एक बार मैं वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता हूँ नीचे वाला में, क्योंकि मुझे इससे वाईफाई का पासवर्ड देने में सुविधा होगा। इसमें मैंने कैमरा फिर से चूज़ करने के लिए बोल रहा है, तो मैं कैमरा चूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये यूज़र नेम और पासवर्ड दे के रखा हूँ, ये देखिए ये मेरा TP-Link का राउटर जो इसमें चल रहा है, और ये मेरा पासवर्ड। अभी मैं स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, तो इसको यहाँ पे इसका साथ रखना पड़ेगा। तो सेम वाईफाई का कनेक्शन स्टार्ट हो गया, तो ये अभी जब तक ये जीरो नहीं हो जाता है तब तक ये अपना बीपिंग साउंड देता रहेगा, और इसका साथ ये बॉन्डिंग कर रहा है। जब बाइंड हो जाएगा इसका साथ और वाईफाई के साथ तो ये सक्सेसफुली दिखाएगा। ये एक तरीका है, तो इसने बता दिया कि कनेक्शन सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया। तो अभी मैं इसमें पेयर्ड वाईफाई एंड सर्चिंग डिवाइस, मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी मुझे एडमिन पासवर्ड नहीं डालना है, मैं डन कर दूंगा, मैंने डन कर दिया। ये अभी बोल रहा है कि यहाँ पे एम्प्टी पासवर्ड, तो पासवर्ड मैं डाल दूंगा, लेकिन अभी मैं बिना पासवर्ड का दिखाता हूँ मैं आपको। मैं कैमरा को उस तरफ कर देता हूँ आपको, ये देखिए पासवर्ड इज एम्प्टी सेट पासवर्ड, तो पासवर्ड पहले सेट करना ही पड़ेगा। तो पासवर्ड सेट करने के लिए दे रहा है, एडमिन यूजर नेम है, कोई इशू नहीं है। पासवर्ड में डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर डाल दिया, मैं डन कर दूंगा। तो पासवर्ड मैंने डाल दिया, ये अभी देखिए ये कनेक्ट दिखा रहा है, तो कनेक्ट होने पे ये ऑनलाइन शो करेगा। अभी डिसकनेक्टिंग ट्राई कर रहा है कनेक्ट होने के लिए कैमरा के साथ। देखिए कनेक्शन हो गया, कनेक्शन होने पे ये आपको दिखाएगा ऑनलाइन और वीक पासवर्ड दे रहा है। तो मैं पासवर्ड को सिंपली 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 रखा है, जबकि पासवर्ड आप खुद अपना चूज़ करके रख सकते हैं। तो मैं इसको अभी कैमरा को उस तरह मोड़ देता हूँ, अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कैमरा कनेक्टेड हो गया, तो मैं इसको फिर से बंद कर देता हूँ। अभी मैं उसको सेटिंग इसमें करना है, यहाँ पे कनेक्शन होने के बाद ही ये सेटिंग ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। तो सेटिंग में जाके आपको ये वाला ऑप्शन आएगा, इसमें आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन सारा दिखाएगा, यहाँ पे क्या क्या डिवाइस का पैरामीटर्स है वो दिखाएगा। अभी यहाँ पे जितने अलार्म सेटिंग है, टाइम सेटिंग है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे टाइम सेटिंग में आपको शायद इंडिया नहीं मिलेगा, अभी ये ग्रीनविच दिखा रहा है, तो मिस मेन टाइम दिखा रहा है, तो कौन सा दिखा रहा है, मुझे यहाँ पे इंडिया चूज़ कर लेना चाहिए। 5:30 GMT, ये आपका ये वाला मैंने चूज़ कर लिया, GMT+5:30 चूज़ कर लिया टाइम, तो मैं इसको डन कर देता हूँ। जो भी सेटिंग है आप खुद ही कर सकते हैं। उसके बाद आपको SD कार्ड के लिए ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे आपको शो करेगा SD कार्ड को क्या क्या ऑप्शन चाहिए। आपको आपका वॉइस रिकॉर्डिंग चाहिए, SD कार्ड में जो रिकॉर्डिंग आता है, जो चलिए इसमें आप रिकॉर्ड कर दबा दीजिए, और टाइमर रिकॉर्डिंग, तो टाइमर इसमें दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर SD कार्ड डालते हैं और उसमें अगर आप रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो आपको टाइमर डालना बहुत ज़रूरी है।
तो पहला ऑप्शन तो ऑन ही रहता है, वॉइस रिकॉर्ड और टाइमर रिकॉर्ड ऑन ऑफ रहता है, तो ये दोनों का मैंने ऑन कर दिया हूँ और डन कर दिया हूँ, डन हो गया। उसके बाद अगर मेल नोटिफिकेशन चाहता है पॉज, तो मेल में अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो और सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, मोशन डिटेक्ट ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा और अलार्म सेटिंग भी ऑन करना पड़ेगा, तभी आपको मेल नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कोई भी मोशन होने पे। और अगर आप चाहते हैं कि कैमरा साउंड ना करे, घर में किसी को डिस्टर्ब ना हो, तो आप इसको साउंड को ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऑफ कर दिया, मुझे इसका साउंड नहीं चाहिए, लेकिन आप जब बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूँ भैया अभी इसको, देखिए कैमरा को मैंने कनेक्ट कर लिया है। अभी इसमें क्लिक करते ही आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा जिसको हाईलाइटेड नहीं है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसमें स्पीकर वाला है, तो स्पीकर वाला ऑन हो गया। ठीक है, अभी मैं इसमें दबा के रखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा हेलो, तो यहाँ पे भी हेलो हेलो सुनाई देगा, क्योंकि नेटवर्क आपका फास्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरफेस चाहिए स्मूथली, आपको कैमरा के साथ आप बोथ साइड बात करना चाहते हैं, तो आपको नेटवर्क दोनों तरफ 10 Mbps तक होना चाहिए। उससे कम में भी अच्छा फ्लुएंसी देता है, लेकिन 10 Mbps होने से नेटवर्क में तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। इसको मैं इस तरह मूव करूँगा तो ये मूव होगा, अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो ऊपर की तरफ मूव होगा। आप ये स्मूथली मॉनिटर तभी कर सकते हैं जब आपका इंटरनेट स्पीड बोथ साइड अच्छा हो। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।